हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ये वाली स्मार्ट ब्रेसलेट तो फिर आप कैसे आपकी स्मार्ट ब्रेसलेट को अपडेट कर सकते हो, यानी कि सिस्टम अपडेट कर सकते हो जैसे हम अपने फ़ोन को करते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपको ये जो स्मार्ट ब्रेसलेट है इसे अपडेट करना है तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका फ़ोन ले लेना होगा। अब आपको आपके फ़ोन में जो है प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फिट प्रो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो फिट प्रो का ऐप है ना, इसे आपको डाउनलोड कर देना है और इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ऐप को ओपन करोगे तो अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो अभी आपका जो फिट प्रो का ऐप है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऐप ओपन होता है तो अभी आपको यहाँ पर लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपको ये सारी डिटेल दिखाई दे रही है। तो अभी ये जो है ना, सब कुछ आपको 00 दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपकी स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट वाला, आपको इस सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिवाइस डिसकनेक्टेड, मतलब कि अभी हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट नहीं है। अगर आपको इसे कनेक्ट करना होगा तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा बाइंग डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको इस परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करोगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्कैन हो रहा है, मतलब कि अभी हमारे जो स्मार्ट वॉच का नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको आईडी 116 दिखाई दे, या फिर हो सकता है कि आपको 716 दिखाई दे। तो आपको जो भी दिखाई दे बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ट्राई टू कनेक्ट का मतलब है कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो कुछ ही देर में हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाती है तो आपके स्मार्ट वॉच में ऑटोमेटिकली जो है टाइम वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अभी हमारी स्मार्ट वॉच है उसमें टाइम भी यहाँ पर सेट हो चुका है 306। अब अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच को अपडेट करना है तो बहुत सिंपल है। अपडेट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा OTA अपग्रेड। इसका मतलब है कि आप जो सिस्टम अपडेट होता है अपने फ़ोन में या फिर अपडेट होता है तो वही है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेकिंग फॉर अपडेट, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हो, द लेटेस्ट वर्जन। इसका मतलब है कि अभी हमारे स्मार्ट वॉच में पहले से ही लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन अगर कोई वर्जन अवेलेबल होगा तो फिर वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो अपडेट हो जाएगी। तो बहुत आसान से तरीके से आप आपके स्मार्ट ब्रेसलेट को अपडेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।